वेलकम बैक टू माई चैनल उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और रमजान भी अच्छा गुजारा होगा तो जी अशर बफ्तरत भी रुख्सत हुआ चाहता है जिसकी वजह से दिल बड़ा उदास है तो आज बुध का दिन है और हमारी आज 19वीं सहरी है तो आपको मज़ीद आगे बताऊँगी कि को कोई वीडियो अपलोड क्यों नहीं हो सकी ए, क्या वजह थी तो एडिटिंग भी नहीं हो सकी और वॉइस ओवर भी नहीं हो सकी ए, तो मैं चलती हूँ सैरी की तरफ सैरी बनाने के लिए मैंने जो है आलू अंडे बनाए हैं और जिससे मैंने एक आलू और अंडा चॉप करके मैंने उनको फ्राई होने के लिए रख दिया और उसमें ज़ीरा डाल दिया और साथ ही मैंने टमाटर डाल दिए कि इनके पानी में जो है आलू हाफ़ जो है ना गल जाएंगे तो साथ मैंने ये मर्चें काटी हैं यी मरछ है अरेबिक शॉप से मिलती है बड़ी मज़े की होती है तेज़ नहीं होती लेकिन इसकी स्मेल और टेस्ट बहुत अच्छा होता है तो जब इसके मसाले वगैरह इसको डाल दिए तो थोड़ी सी इसकी बुनाई कर कर मैंने इसमें दोबारा से थोड़ा सा पानी डाला और फिर मैंने इसमें बाद में अंडे डाल दिए तीन से चार अदद मैंने अंडे डाल डालिए डाल दिए थे क्योंकि हम तीन चार ही बंदे थे तो पराठे भी ख़त्म नहीं होते बनाकर फिर सूख जाते हैं फिर फेंकने पड़ते हैं और बड़ा दिल दुखता है कि रिस्क जो है ना ज़ाया होता है तो फिर इसलिए मैं कम ही कोशिश करती हूँ बनाऊँ लेकिन बच्चे फिर भी लेफ्ट पर चीज़ें पड़ी होती हैं बस टाइम तो वही खा कर सैरी वगैरह जो है ना कर लेते हैं तो ये थी जो है हमारी सहरी और फिर मैंने साथ ही ये शेल्फ वगैरह भी साफ कर ली थी और डिश वाशर में जो है बर्तन भी लगा दिए थे तो जहरी के बाद तो बस ये आ, सिंपल सी आज जो है आलू अंडा आलू अंडे जो सहरी में बनाए थे साथ खजूरें वगैरह हो गई थी तो फिर सुबह हुई बुध बुध का दिन था बच्चों को हाफ डे हो जाता है बच्चों को लिया फिर थोड़ी देर बाहर गए थोड़ी सी ग्रोसरी वगैरह करनी थी रेबिक शॉप पे भी जाना था चीज़ें खत्म हुई हुई थी कुछ वो लेनी थी और जग रिपेयरिंग के लिए दिया हुआ था मेरा टूट गया था तो वो ऑर्डर किया था वो भी मेल आ गई थी कि बनकर आ गया तो वो उठाया इसमें भी कुछ खास टाइम नहीं लगा था बस स्लिप दिखाई ये और जो है ना जग लिया और वापस चले गए वापसी पे आते हुए हम गए अरेबिक शॉप पे फिर उधर से हम कैराफोर गए ये रमज़ान स्पेशल इधर स्टॉल लगा हुआ था बड़ी अच्छी चीज़ें सारी पड़ी हुई थी इधर से भी मैंने बिस्किट वगैरह एक दो लिए तो फिर घर की वापसी ली और घर गए मौसम काफ़ी अच्छा था काफ़ी हवा भी चल रही थी और धूप भी अच्छी थी तो मैंने आकर नमाज वगैरह अदा की और फिर मैंने तिलावत वगैरह की मैं बाहर धूप में ही बैठी थी लेकिन हवा भी काफ़ी तेज़ जो है ना चल रही थी तो जो है इसकी वजह से ना फूल पत्तियाँ जो है ना काफ़ी उड़ रही थी और पौधे काफ़ी झड़ चुके थे जो फूलों वाले थे उनके फूल काफ़ी सारे झड़ चुके थे मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेरे गार्डन में लगा हुआ था वो फ्लावर वाला पौधा तो उसकी भी पत्तियाँ ये देखें सारी जो है ना बिखरी पड़ी हैं और इतनी प्यारी लग रही थी क्या फिल्मी सीन लग रहा था तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी मैं जितनी देर इधर तलावत करती रही हूँ ना तो ये उड़ उड़ कर मेरे ऊपर भी आ रही थी तो बड़ा प्यारा लग रहा था ये सारे इसके फूल ना झड़ गए हैं इस सीज़न के फूल होते हैं ये सिर्फ दो माह रहते हैं एक ये लिया था मैंने ये तो चल गया है लग जमीन में लगा था इसकी काफ़ी ग्रोथ हुई है माशा तो एक दूसरा लिया था वो दे दिया हुआ चेंज होने के लिए वो जब आएगा तो ये देखें ये सुबह रैक रखा था इधर तो इसमें ये पोलन का मौसम चल रहा है सीज़न चल रहा है तो ये इसमें जाले जो है ना बन गए हुए हैं तो अब मैंने ये टावल सूखे थे इनको उतारा है और इनको तय कर कर जो है ना मैं कबड में रखूँगी पहले भी मुझसे किसी ने पूछा था कि इतने ज़्यादा टावल आप क्या करती हैं तो जी हम माशाल्लाह छः बंदे हैं फैमिली में और छोटे टावल जो होते हैं मैं वो वाशरूम की कबड़ में रखती हूँ और बड़े टावल जो है बाहर की कबड़ में रखती हूँ आपको पता है मर्द हजरात जो होते हैं जब शावर लेते हैं तो उनको बड़े टावल पसंद होते हैं तो वो बड़े लेते हैं तो हाथ और मुँह साफ़ करने के लिए मैंने जस्ट वाशरूम में छोटे टावल रखे होते हैं कि वो जल्दी जल्दी चेंज हो जाए और सूख भी जल्दी जाते हैं तो मौसम तो बहुत अच्छा था लेकिन हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी धूप अब तकरीबन जाने वाली थी क्योंकि असर का टाइम होने वाला था तो इसलिए मैंने तलावत भी अपनी जो है ख़त्म की थी क्योंकि असर के टाइम जो है मकरू टाइम शुरू हो जाता है तो बस इधर बैठ कर तलावत करने का मुझे बहुत मज़ा आता है सात फूलों की खुशबू बहुत अच्छी आती है तो तलावत करने में काफ़ी मज़ा आता है तो मैं अब इनको तय कर कर जो है किचन में आई सीट कर सारा तो ये जो फ्रूट वग़ैरह लाए थे मैंने इसमें से सारी बेरीज़ वगैरह निकाल कर इनको अच्छे से वॉश किया और इनकी मैं बनाऊंगी फ्रूट सैलड क्योंकि फ्रूट चाट भी डेली नहीं खाने होती और बच्चे फिर ज़्यादा पसंद भी नहीं करते और भले वगैरह भी ज़्यादा रोज़ नहीं खाने होते बंदा खा खा कर ये चीज़ें बोर हो जाता है तो फ्रूट सैलड का फ़ायदा ये होता है कि एक तो बच्चे शौक से खा लेते हैं और इसमें मसाले वगैरह क्योंकि नहीं जाते तो ये फ्रेश भी रहती है अगर इसका दूसरा फिर ये होता है कि अगर ये ना खाई जाए ना तो इसका बंदा ना कॉकटेल वगैरह बना लेता है तो उसके लिए सिर्फ इसको जग में डाले और बंदा जूसर को जो है ऑन कर दे उसका कॉकटेल बन जाता है और मेरे पास भी यही हुआ था तकरीबन इसका एक गिलास जो है ना जो है कॉकटेल बन गया था जो बच गया था फ्रूट मैंने अब्रिज को दूसरे दिन इसका कॉकटेल बना दिया था तो ये मैं लेकर आई थी आज तुर्की पिज्जे देखिए ये बड़े अच्छे होते हैं कीमे और शिमला मिर्चों से बने होते हैं मैं घर में भी काफ़ी बार बना चुकी हूँ लेकिन आज दिल नहीं कर रहा था बाहर गए थे तो मैंने सोचा ये ले जाते हैं आज तो सियासी गर्मा गर्मी बड़ी चली हुई है कुछ वो पाकिस्तान ख़बरों की तरफ ध्यान कुछ ज़्यादा ही फिर रहता है फिर घर में भी जो है ना इस तरह से इधर हमारा दिल नहीं लगता परदेश में तो फिर बच्चे भी कह रहे थे कि बाहर से ही आज काफ़ी दिन हो गए हैं बाहर से कुछ नहीं खा रहे तो आज फिर ये मैं रेडीमेड बनी बनी बनाई ले आई तो इसमें सेलेड वगैरह नहीं लगवाया था मैंने घर आकर ये सैलड वगैरह खुद ही सारा कुछ काट कर सोस वगैरह लगा कर इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे ग्रिल कर लिया था एक को मैंने फॉइल लगा लिया था पैक कर लिया था क्योंकि ये भेजनी है शॉप पे तो उधर बैठ के वो आसानी से जो है ना खा सकेंगे बाकी जो है मैंने सारी ऐसे ही भारी भारी इनको थोड़ी देर ऐसे इसमें रख कर ग्रिल कर लिया था और फिर बाद में इसकी जो है मैंने बीच में से कटिंग कर ली थी और ये आधे आधे खा कर जो है ना पेट काफ़ी फुल हो गया था क्योंकि सैलेड वगैरह होती है बीच में सोज होती है देखिए देखें इन साइड व्यू कितना मज़े का और बड़े मज़े की इसकी जो है ना बाइट बनती है तो सात बच्चों ने थोड़े से फ्रिज फ्राई करवा लिए थे और फिर मिक्सचर पड़ा हुआ था पकौड़ों का लेफ़्ट ओवर में तो मैंने वो पकौड़े थोड़े से निकाल लिए थे आलू का भी था और मिक्स पकौड़ों का भी था और ये भी लेफ्ट ओवर फ्रिज में ही पड़ी हुई थी इसको भी फ्रेश कर लिया था देखिए अभी तक बिल्कुल वैसी ही थी और ये फ्रूट सेलेड थी तो बस ये पिकल वगैरह थोड़े से निकाले थे और ये वो बिस्किट जो मैंने करफ और से लिए थे बहुत ही मज़े के थे पिस्ता और आलमंड फ्लेवर में थे तो ये मेरी चाय थी तो जी ये था जुमेरात का दिन और सुबह की इब्तदा जो हुई है पौधों के पानी देने से हुई है ये जो एंट्री डोर के बाहर पौधा पड़ा हुआ था इसको जब से उधर रखा था मैंने इसको पानी दिया ही नहीं था तो इसकी मट्टी भी काफ़ी ड्राई होगी हुई थी मैंने ये तकरीबन इसको पूरी बॉटल जो है पानी की दे दी थी और इसने इतनी इसको प्यास लगी हुई थी कि इसने सारा पानी ही जल्दी से ऑब्ज़र्व कर लिया था हवा आज भी काफ़ी तेज़ चल रही थी पौधे देखें दरअ पत्ते उसके बेल के कैसे हिल रहे हैं तो मैंने ज, ज, की जल्दी से विंडो बंद क्योंकि बाहर से डस्ट बहुत आती है देखें ये बाहर वाले जो है ना मिरर पे कैसे जमी हुई है डस्ट तो बाहर गाड़ियों का तो पूछें ही मत क्या हाल होता है बहुत ज़्यादा डस्ट होती है जी ये मेरा स्टूल बहुत ही मेरे लिए मुफीद है कि इस पे चढ़कर फिर मैं इन पौधों को भी ऐसे आसानी से जो है पानी दे देती हूँ फिर इनको मैंने थोड़ा थोड़ा पानी दिया पहले तो पंद्रह दिन में देती थी लेकिन अब ज़ाहरा जब से थोड़ा सा मौसम गर्म हुआ है तो मिट्टी जल्दी ड्राई हो जाती है और फिर जैसे ही चेक करती हूँ कि मिट्टी ड्राई हो गई है तो इनडोर पौधों को भी पानी देती हूँ अब नेक्स्ट टाइम जो है इनको विटामिन भी दूंगी तो ये मैं खुद ही ग्रोथ करती रहती हूँ ये देखिए अभी भी छोटा सा एक मनी प्लांट बीच में नज़र आ रहा है तो अभी भी मैंने एक छोटी बॉटल में जो है ना एक दो इसकी पत्तियाँ डाली हुई हैं जैसे से उसके रूट्स निकलेंगे तो मैं उसे गमले में कन्वर्ट कर दूँगी तो ये मैंने फ्रोजन चीज़ें निकाल कर इनको ग्लीस करके रखा है आज मैं इनको ओवन में बेक करूंगी इधर मैंने चार पांच अदद जो है भले गर्म पानी में डिप कर दी है कि ये सॉफ़्ट हो जाए और ये लेफ़्ट ओवर चिकन जो मैंने बनाकर रखा हुआ था आलमोस्ट आज जो है ख़त्म हो गया हुआ है और जब अब बोनलेस आएगा तो ऐसे ही इसको जिंजर गार्लिक पेस्ट और चिकन की उब स्टॉक वगैरह डालकर इसको बनाकर ठंडा कर कर ऐसे ही फ्रीज़ कर दूँगी कि जब सैंडविच वगैरह बनाने हों या कोई पिज़्ज़ा मिनी पिज़्ज़ा वगैरह बनाने हों तो बड़ा बड़ी आसानी रहती है कि बंदा निकाल कर इसको डिप कर कर ऐसे इस्तेमाल कर सकता है तो ये सैंडविच की रेसिपी जो मैंने पहले भी दी है मुकम्मल रेसिपी और मैं दोबारा से इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी आप उधर से जाकर फुल रेसिपी इसकी देख सकते हैं तो इसमें मैंने अभी जो है सोस है मेरे पास तीनों फ्लेवर ही बच्चों के फेवरेट हैं तो वो मैं तीनों डालूंगी ये मायनिज हैं और इसके मैंने इसमें एक से डेढ़ टेबल स्पून डाल लिया था तो दूसरी सोज मेरे पास थी आ, क्यूरी पेस्ट और अंदालूस ये क्यूरी है तो इसका भी मैंने एक टेबल स्पून डाल लिया था इसका भी काफ़ी मज़े का जो है ना फ्लेवर आता है तो ये सोस जो है अरबियों की शॉप से ही लेकर आती हूँ तो क्योंकि ये हलाल होती हैं और अच्छी होती हैं इनका टेस्ट भी जो है ना ये अच्छा होता है तो फिर ये मैंने इसमें जो है अंदर लू उसका डाले थे दो टेबल स्पून क्योंकि ये स्पाइसी होती है और इसमें मैं कोई नमक और कोई मर्चें वग़ैरह नहीं डालूँगी तो इधर मैंने फ़िश पकोड़ा बनाने के लिए फ़िश को भी मसाला लगा दिया था और आज इसकी रेसिपी भी, भी मैं मैंने पहले शेयर की है और इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन में कर दूंगी तो आज इसमें मैंने सिर्फ जो है ना दही के दो चमचे एक्स्ट्रा डाले अगर आपने कभी फ़िश में दही नहीं डाली तो डाल कर देखें बहुत ही मज़े की जो है ना मोइ जो है ना फिश बनती है और मसाला बहुत ही जल्दी अब्जर्व उसके अंदर हो जाता है अब अगर आपने बहुत जल्दी में मसाला मछली में लगाना है तो उसमें आप दही डाल लें तो मसाला जो है अंदर तक जो है ना नमक मिर्चों का टेस्ट है उसकी आता है तो ये मैंने भल्लों के लिए जो है दही है दो कप दही डाल दिए इसमें चीनी डाल दी है एक टेबल स्पून और इसमें मैं पानी या क्रीम नहीं ऐड करूँगी क्योंकि क्रीम बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है दही हमारा पहली पतला नहीं होता सख्त होता है इधर तो मैंने इसको इसमें एक कप या हाफ कप जो है ना दूध का डाला है इससे इसका टेक्स्चर जो है ना काफ़ी क्रीमी बन जाता है और मज़े का बनता है मुझे दूध अच्छा लगता है मैं क्रीम नहीं डालती वो बहुत हैवी होती है तो इसको मैंने फिर भले जो मैंने साथ रखे थे भी गोकर वो भी सॉफ्ट हो गए थे और आज लगा हुआ है जलसा लाहौर का और मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगी आपको एडिटिंग और वॉइस ओवर क्यों नहीं कर सकी उसकी वजह आज का जलसा ही था तो पेशावर के बाद कराची के बाद जो लाहौर का वो बेहतरीन जो है कामयाब जलसा जारी है तो ये थी आज की हमारी रफ्तारी और मैंने आज जो है ब्रेड को भी थोड़ा सा तो किया था क्रंची हो गई थी तो इन साइड देखें इसका कितना ज़बरदस्त अफ्तारी से फारग होने के बाद जलसा भी ख़त्म हो गया था और अब्रिज का होमवर्क करवाया था काफ़ी करने वाला था और फिर इसकी नोटबुक पे जो है सैन करने वाले थे वो इसने करवाए और मुझे अपने दिन भर की सारी डिटेल भी बताई आज इसकी टीचर मीटिंग भी थी उधर भी इसके बाबा और मैं गए थे तो बहुत अच्छी इसकी टीचर जो है इसकी कारी का बता रही थी क्लास में बहुत अच्छे बिहेवियर है इसके दूसरे बच्चों के साथ बहुत कॉपरेटिव हैं बहुत हेल्पफुल है उनकी काफ़ी मदद करती हैं तो अच्छी बात है बच्चों में ये चीज़ होनी चाहिए तो जी ये चीज़ें चलती रहीं बाद में इसके तमाशे खेल तमाशे लगे रहे और आज मज़ा बहुत आया जिंदा ने दिल लाहौर का जज्बा देखकर जिन्होंने बहुत बड़ी तादाद में बहुत पुरजोश पुरज़म होकर जश जो जलसा है मनक़द किया है मुबारकबाद के मुस्तक हैं अल्लाह पाक ऐसे ही हमारे पाकिस्तान को जो है हक सच पाकिस्तानियों को हक सच के साथ खड़ा रहने की हिम्मत इस अता फ़रमाएँ तो और हमारे पाकिस्तान को भी हर बुरी नज़र से जो है महफूज रखे और आने वाली जो जोमूमत है, है अच्छे इकदाम लें पाकिस्तान के साथ और मौजूदा जो गवर्नमेंट है चोरों की और डाकों की अल्लाह ताला इससे ख़लासी खलासीता फरमाए तो जी ये थी आज की हमारी वीडियो और आज की हमारी जो है थोड़ी सी शॉर्ट शॉर्ट सी रूटीन जो आज के साथ आपके साथ शेयर की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफि